नमस्कार दोस्तों, 13 फरवरी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स थोड़ी वन लाइनर टाइप की न्यूज़ ज़्यादा है, एनालिटिकल न्यूज़ कम है, क्योंकि ज़्यादातर एनालिटिकल न्यूज़ मैंने कल के करंट अफेयर्स में कवर कर दी थी 12 फरवरी वाले। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और उसी की बहुत सारी न्यूज़ आज फिर से PIB में और हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में थी, तो उनको मैंने दोबारा कवर नहीं किया है। यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो ये है, एक नेशनल स्पेशल नेशनल स्टैंडर्ड्स कॉन्क्लेव हुआ है। ये स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड है कि पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बीच में सिनर्जी लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए कॉन्क्लेव हुआ है। फिर दूसरा है इंडो यूएस कॉमर्शियल डायलॉग एंड इंडो यूएस सीईओ फोरम, इसके बारे में बात करेंगे। फिर तीसरा, जो मेजर पोर्ट्स है इंडिया में उसमें कार्गो ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है लगभग 3.11% से। फिर फिफ्थ इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो रहा है 2019 का। फिर पांचवा, नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज़ न्यूट्रिशन चैलेंजेस की चौथी मीटिंग हुई है, तो पोषण अभियान से रिलेटेड ये चीज़ है, तो पोषण अभियान को एक बार रिविजिट करेंगे हम लोग। फिर E-cocoon App, देखिए E-cocoon App सिल्क से रिलेटेड है, इसके बारे में मैं पिछली कुछ वीडियोस में बात कर चुका हूँ, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग अलग से E-cocoon App को देख लेंगे क्या करते हैं ये। फिर एंटी टैंक हेलेना मिसाइल्स क्या है, ये नाग जो कि लैंड बेस्ड वेरियंट है उसका एयर बेस्ड वेरियंट है ये एंटी टैंक हेलेना मिसाइल्स, जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती हैं। फिर डिफेंस इनोवेशन हब्स के बारे में बात करेंगे। और फिर कुछ वन लाइनर न्यूज़ हैं जिसमें नेशनल कॉन्क्लेव ऑन फूड सेफ्टी हुई है, फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडिया यूनिट्स हुई है, डैन डेविड प्राइस 2019 ऑफ इसराइल हुई है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी है अबू धाबी की, एक दो इनाम भी मिले हैं, तो कुछ और वन लाइनर न्यूज़ भी इसमें है। अब आप लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा कि नेशनल कॉन्क्लेव ऑन फूड सेफ्टी, फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया यूनिट्स, ये कुछ चीज़ें मैंने वन लाइनर में डाल दी, जबकि स्पेशल नेशनल स्टैंडर्ड्स कॉन्क्लेव इसको मैंने एक प्रॉपर न्यूज़ आइटम में कवर किया। तो वो इस हिसाब से फ्रेंड्स, कि जो चीज़ मुझे लगती है कि थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं इस प्रॉपर न्यूज़ वाले में डाल देता हूँ, और जो चीज़ मुझे लगती है कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक लाइन रट के काम हो जाएगा, उसको मैं वन लाइनर में डालता हूँ। अब हम लोग पहली न्यूज़ देखते हैं। तो स्पेशल नेशनल स्टैंडर्ड्स कॉन्क्लेव हुआ है, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। कहाँ पर किया, मुंबई में किया, फरवरी 8 से 9। सबसे पहले आपको तो ये याद रखना चाहिए कि किसने क्या, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, 8 से 9 फरवरी और मुंबई। इसके बहुत सारे पार्टनर्स थे, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स किसके साथ, एसोसिएशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशनल एग्रीटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेट बॉडीज़। तो इतनी सारी बॉडीज़ के साथ मिलकर ये चीज़ लागू की गई है। उसके बाद इसका काम क्या है कि देखिए, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे देखिए पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं, फिर उस पॉलिसी को कुछ लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स होते हैं, और फिर उस पॉलिसी की चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। जैसे रेगुलेशन वाले डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, इंश्योरेंस फील्ड्स में भी हैं, हर तरीके की फील्ड्स में, स्टॉक मार्केट्स में भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितने भी प्लेयर्स हैं, रेगुलेटर्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, फिर जो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए, और अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए स्पेशल स्टैंडर्ड्स कॉन्क्लेव हुआ है, ताकि उन स्टैंडर्ड्स को निर्धारित किया जा सके जिनके बेसिस पे इन सारी चीज़ों के अंदर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। और इसीलिए बोला गया कि इंडियन नेशनल कॉन्क्लेव, जो मिनिस्टर बोल रहे थे उन्होंने बोला कि इंडियन नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये इसी इंटर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में मदद करेगा। तो ये इंडियन नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये एक बहुत डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। डायनेमिक डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि फ्रेंड्स ये प्रेवलेंट कंडीशंस के हिसाब से तुरंत चेंज होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल गोवा IBIBO में अगर फ्लाइट्स के दाम चेक करोगे तो आपको कभी कभी दिखेगा कि आधे घंटे के गैप पे 1000-1500 रुपये दाम बढ़ गए, तो वो डायनेमिक प्राइसिंग है कि डिमांड के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से वो चेंज हो गई। उसी तरीके से ये इंडियन नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है कि प्रेवलेंट कंडीशंस के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे हम और ज़्यादा एम्बिशियस होते जाते हैं। तो ये नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसी इंटर कोऑर्डिनेशन को लाने की कोशिश करेगा पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वाले लोगों और रेगुलेटर्स के बीच में। तो ये स्टैंडर्ड कॉन्क्लेव हुआ था, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बस याद कर लीजिए कब से कब तक हुआ, कहाँ हुआ। फिर आगे देखते हैं, एक इंडिया यूएस कॉमर्शियल डायलॉग और सीईओ फोरम हुआ है। इसका काम क्या है, काम तो अभी हम देखेंगे, हुआ कहाँ है, 14 फरवरी 2019 को होगा नई दिल्ली में, ठीक है, तो डेट याद रखिएगा। अब
14 फरवरी डेट याद रखना तो काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए। फिर आगे देखते हैं, इसमें यूएस और इंडियन गवर्नमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और पहली बात तो जो 2018 में कॉमर्शियल डायलॉग वर्क प्लान आया था उस पर ये लोग बातचीत करेंगे कि उसमें हमको कितनी सक्सेस मिली है। उसमें क्या हुआ था, 3 वर्क स्ट्रीम्स को डिसाइड किया गया था, एक तो स्टैंडर्ड्स को, फिर बिजनेस क्लाइमेट और इन्वेस्टमेंट को, कि इन्वेस्टमेंट कैसा है, बिजनेस क्लाइमेट कैसा है दोनों कंट्रीज़ में, तीसरा ट्रेवल एंड टूरिज्म को। तो उस पर क्या क्या प्रोग्रेस हुई, जो 2018 वाला डायलॉग हुआ था उसके बारे में बात होगी इस इंडिया यूएस कॉमर्शियल डायलॉग में। फिर वो जो 2018 में जो टॉपिक्स क्लियर किए गए थे जिन पे बात हुई थी, उसके अलावा ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें इंडिया और यूएस के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाया जाना चाहिए, और इसके ऊपर रिकमेंडेशन देगा कौन, ये जो सीईओ फोरम है ना, जो ये इंडिया यूएस सीईओ फोरम है, ये रिकमेंडेशंस देगा और हम लोग उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, उन प्रायोरिटीज़ को देखेंगे जो अब होनी चाहिए इंडिया और यूएस के बीच में, यानी वो नए एरियाज़ जहाँ पे इंडिया और यूएस का कॉपरेशन और बढ़ सकता है और प्रायोरिटी से बढ़ना चाहिए उसके बारे में बात करेगी। और इंडिया यूएस का जो ट्रेड पोटेंशियल है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 2007 में जो बाइलेटरल ट्रेड था वो था $58 बिलियन, वो 2017 में $126 बिलियन हो सका है। देखिए बाइलेटरल वैसे तो आपको पता है, यानी बाइलेटरल मतलब कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट फ्रॉम यूएसए, और यूएसए के एक्सपोर्ट टू इंडिया एंड इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये सब कुछ इस बायलेटरल ट्रेड में आता है, मतलब एक दूसरे को जो जो सामान ये भेज रहे हैं, देखो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यूएस के लिए इम्पोर्ट हो जाएगा, यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्ट हो जाएगा, तो इन दोनों क्वांटिटीज को आप जोड़ दो, आप समझ जाओगे क्या हो जाएगा, बायलेटरल ट्रेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये बोला गया है कि जो हमारे मेजर पोर्ट है कंट्री के, उनमें कुछ जो कार्गो ट्रैफिक है वो बढ़ा है। सबसे पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में 13 मेजर पोर्ट है, याद रखिएगा, जिसमें से एन्नोर वाला जो पोर्ट है वो एक कॉरपोरेट पोर्ट है, बाकी सारा के सारे गवर्नमेंट ओन्ड है। खैर उस पर ना जाते हुए देखते हैं कि जो मेजर पोर्ट्स हैं, कहा गया है कि उनको 3.11% की ग्रोथ हुई है वहाँ पे, और जो कार्गो उन्होंने हैंडल किया है वो है 578.86 मिलियन टन्स, कब से कब तक, अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के पीरियड में, और इसी पीरियड में लास्ट ईयर कितना था, 561.39 मिलियन टन्स। अब अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के बीच में 9 पोर्ट्स, कोलकाता जिसमें हल्दिया पोर्ट मिला हुआ है, पैरादीप, विशाखापत्तनम, कमराजार पोर्ट, चेन्नई, कोचीन पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, जेएनपीटी और दीनदयाल पोर्ट को कांडला पोर्ट भी बोला जाता है, इसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई है ट्रैफिक में। तो 9 पोर्ट्स तो मैंने यहाँ पे बता दिए आपको, उसके साथ साथ फ्रेंड्स 13 पोर्ट्स को अगर काउंट करना तो 4 और बचे, पोर्ट ब्लेयर, एन्नोर, टूटीकोरिन और बॉम्बे। तो अगर आपको देखना हो कि 13 मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं तो ये भी मैंने आपको बता दी, मैंने सिर्फ नाम बताए हैं, उनके लोकेशंस को डिस्कस नहीं किया है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मैं अब छोटी सी करंट अफेयर्स की वीडियो में हर डिटेल नहीं बता सकता हूँ। उसके आगे मेजर वर्सेस माइनर पोर्ट्स क्या होते हैं, देखिए इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 नोटिफाइड माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। सबसे खास बात यह है, हर इंसान के, ज़्यादातर लोग जो इसको पढ़ते हैं उनके दिमाग में डाउट होता है कि मेजर और माइनर पोर्ट्स में क्या फ़र्क है, और जो सबसे ऑब्वियस जवाब इसका आएगा वो यही आएगा कि देखिए ये बोला जाएगा कि जो मेजर पोर्ट है ना उनमें कार्गो ट्रैफिक ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा, और जो माइनर पोर्ट्स होंगे उनमें कम सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा। तो नॉर्मली अगर आप गैस मारोगे तो ये जवाब दोगे, जबकि ये जवाब गलत होगा। देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम ही ये डिसाइड नहीं करता है कि एक पोर्ट मेजर होगा या माइनर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की बात करोगे तो वो मेजर पोर्ट नहीं है, वो माइनर पोर्ट है, लेकिन अगर आप इस मुंद्रा पोर्ट का कंटेनर ट्रैफिक देखोगे ना तो वो बहुत सारे मेजर पोर्ट से ऊपर है, यानी मुंद्रा पोर्ट डिस्पाइट बीइंग अ माइनर पोर्ट वो बहुत सारे मेजर पोर्ट से ज़्यादा ट्रैफिक को कैटर करता है, ज़्यादा कंटेनर ट्रैफिक को कैटर करता है। इसीलिए इंडिया में ये जो मेनर माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस के हिसाब से किया गया है। अब देखिए बात यह है, हमारे यहाँ पर जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट मतलब कि आप पानी के थ्रू बाहर सामान भेज रहे हो, अब देखिए उसमें क्या होगा कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर नियम बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर नियम बना सकती है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो मेजर पोर्ट्स है ना वो सारे के सारे यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्टली अंदर आएंगे, और जो बाकी मैंने आपको माइनर पोर्ट्स और इंटरमीडिएट पोर्ट्स बनाए वो जो 9 कोस्टल स्टेट्स है ना
उनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज ही देखेंगे, क्योंकि इन्हीं 9 कोस्टल पोर्ट्स में मेजरली वो सारे 200 के 200 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स मिलते हैं। तो जो मेजर पोर्ट्स हैं उनको यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ही एडमिनिस्टर करती है, और उसके अलावा जो माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कैटर करती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से कोस्टल स्टेट में वो पोर्ट है। ठीक है, और बहुत सारे माइनर पोर्ट्स इतने छोटे हैं कि हार्डली वहाँ पे कुछ हो रहा है। फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2019। इम्पॉर्टेंट क्या है, 13 से 14 फरवरी 2019 में हुई है। कहाँ हुई है, भुवनेश्वर में हुई है। किस किस ने मिलकर कराई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर कराई है। किस प्रोग्राम के अंदर, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ट्रिप प्रोजेक्ट, इसके अंदर ये हुई है। अब अगर आप डैम्स में बात करेंगे तो इंडिया डैम्स में चाइना और यूएसए के पीछे है, यानी तीसरे नंबर पे है। इंडिया में बहुत सारे लार्ज डैम्स हैं जिसमें से 5,264 डैम्स ऑपरेशन में हैं और 437 डैम्स अभी बन रहे हैं। और अगर डैम की बात करोगे तो वाटर सिक्योरिटी में, ग्रोथ में, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में बहुत काम करता है। देखिए डैम का आपको पता है फ्रेंड्स कि पानी के फ्लो को रेक के एक जगह वो पानी इकट्ठा कर लेता है। अब वो जो इकट्ठे पानी से वो बहुत कुछ कर सकता है डैम। देखिए वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस कर सकता है कि ऊंचाई से पानी को छोड़ देगा, पानी स्पीड से दौड़ते हुए टर्बाइन को घुमाएगा और टर्बाइन बिजली पैदा करेगी, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा क्या कर सकता है कि वो जो पानी भरा हुआ डैम में उसको धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है आसपास के इलाके में इरीगेशन के लिए, लोगों के पीने के लिए, क्योंकि जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है तो कैनाल्स बना के प्रॉपरली पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चर में बहुत काम देता है फ्रेंड्स, फिर लोगों की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स में, खासकर पीने में बहुत काम देता है। तो डैम के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन ऑब्वियसली डैम के बहुत से नुकसान भी है, क्योंकि जियोलॉजिकली वो काफ़ी एरिया को अनस्टेबल कर देता है, और अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो उस समय पर अगर डैम का पानी बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, क्वांटिटी में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से अगल बगल के जो इलाके होते हैं ना वो डूब जाते हैं। ठीक है, और फिर सिल्टेशन हो जाता है डैम में निचले लेवल पे, जिसका बहुत हद तक जो सिल्ट लेके आ रही है रिवर्स वो डैम के बेस में जमा कर देते हैं, तो फिर वो डेल्टा तक वो सिल्ट नहीं पहुंच पाती, तो डेल्टा फॉर्मेशन की स्पीड धीमे हो जाती है, सॉयल फॉर्मेशन की स्पीड धीमे हो जाती है। तो अगर आप देखोगे कि डैम के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो एक पूरी की पूरी मैं 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं यही रुक जाता हूँ, आगे चलता हूँ। अब देखिए, एक नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंजेस की चौथी मीटिंग हुई है, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। इसका क्या है, किसके अंदर में हुई है, ये पोषण अभियान के अंदर में हुई है। तो जो नेशनल काउंसिल ऑन इंडियन न्यूट्रिशन चैलेंजेस की मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है और किस तारीख को हुई है, 12 फरवरी 2019 को। अब सवाल यहाँ पे आता है कि ये पोषण अभियान के अंदर हुई है तो ये पोषण अभियान क्या है, तो इसको एक बार हम लोग रिविजिट कर देते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोषण अभियान, जो कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, अब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शायद आपको पता होगा, उसका हिंदी वर्जन पोषण अभियान, नॉर्मली कभी कभी लोगों को नहीं पता होता, तो इसको लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से। टेक्नोलॉजी की मदद से, टारगेटेड अप्रोच की मदद से बच्चों में स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया और लो बर्थ वेट जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। देखिए स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, स्टंटिंग का मतलब होता है आपके एज ग्रुप के हिसाब से कम हाइट होना चाहिए। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपके एज ग्रुप के हिसाब से आपका वेट, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कम होना चाहिए। तो वेस्टिंग आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कम होना चाहिए, स्टंटिंग आपकी एज ग्रुप के हिसाब से आपकी हाइट कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको स्टंटिंग वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये पोषण अभियान स्टंटिंग कम करेगा, अंडर न्यूट्रिशन कम करेगा, एनीमिया कम करेगा, लो बर्थ वेट कम करेगा, खासकर ध्यान देगा एडोलेसेंट गर्ल्स पे 14 से 18 साल की उम्र, फिर प्रेग्नेंट वुमेन पे, लैक्टेटिंग मदर्स पे, और माल न्यूट्रिशन को हॉलिस्टिकली काउंटर करने की कोशिश करेगा। फिर ये कोशिश करेगा अभियान की सर्विस डिलीवरी को टेक्नोलॉजी की मदद से और अच्छा किया जा सके, फिर बिहेवियरल चेंज को लाया जा सके। बिहेवियरल चेंज मतलब लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश की जाए, ताकि वो अपने बच्चों को और न्यूट्रिशियस खाना दें और खुद भी न्यूट्रिशियस खाना खाएं। और कहा जा रहा है कि सारे 36 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज, यानी 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरेटरीज मिलकर कितना हो गया, 36, और 718 डिस्ट्रिक्ट्स में 2020 तक धीरे धीरे अलग अलग फेजेस में इस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और काफ़ी वैल्यू दी जा रही है, काफ़ी प्रोमिनेंस दिया जा रहा है, काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है इस मिशन पे।
फिर हम ई कुकून के बारे में बात करेंगे। देखिए, ई कुकून एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है, और सिल्क वॉर्म सीड सेक्टर में क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए इस ई कुकून का यूज़ होता है। यानी सिल्क की क्वालिटी क्या है उसको सर्टिफाई करने के लिए इस ई कुकून ऐप का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होंगे कि सीड एनालिस्ट होंगे, सीड ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल सीड एक्ट के अंदर में, और वो प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट को सर्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये कितना अच्छा है कितना खराब है, और उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग इस ई कुकून में आपको मिल जाएगी। इस तरीके का ऐप इंडिया में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। फिर इंडिया में जगह जगह पे जो भी सिल्क वीविंग हो रही है, जो भी सिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी क्वालिटी को एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसके बेसिस पे मार्केट में उसके रेट्स डिसाइड हो सकें, एक्सपोर्ट लायक है कि नहीं है, किस चीज़ में सस्ता वाला है तो किसी बेकार से कपड़े में इस्तेमाल हो जाएगा, अच्छा वाला है तो बड़े हाई एंड टाइप के कपड़े जैसे कि शॉल्स हो गए, महंगे शॉल्स हो गए, ठीक है, महंगे कपड़े हो गए उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, ताकि आप समझ सकते हो ना कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाएगा इंडिया को, और डोमेस्टिक मार्केट्स में जिसको ज़रूरत है उसको बेचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये जानना कि जो भी सिल्क है उसकी क्वालिटी क्या है, और इसीलिए सीड एनालिस्ट और सीड ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाएगा कि वो इस क्वालिटी को एसेस करके उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग करेंगे इस ऐप ई कुकून में। इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सिल्क प्रोड्यूसर है, और जो इंडिया की सिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो अभी तो 32,000 टन है, कहा जा रहा है 2020 तक 38,500 टन पहुंच जाएगी। फिर हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली एंटी टैंक मिसाइल हेलीना की। देखिए, एंटी टैंक मिसाइल हेलीना को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर, जो कि 1200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। तो देखिए, जितनी भी मिसाइल टेस्टिंग होती है वो यहीं से होती है। तो ये जो आपकी एंटी टैंक मिसाइल है हेलीना, इसको इंडिजीनियसली डिज़ाइन और बिल्ड किया गया, मतलब इंडिया में ही बनी है, डिज़ाइन हुई है, बिल्ट हुई है। और ये जो नाग मिसाइल है ना, हमारी लैंड बेस्ड मिसाइल है नाग, जिसकी जो रेंज होती है वो 3 से 6 किलोमीटर के लगभग होती है, 3 से 5 किलोमीटर के लगभग होती है, उसी का जो एयरबॉर्न वेरिएंट है ना वो ये हेलीना। तो नाग को लैंड से लॉन्च किया जाता है और हेलीना को हेलीकॉप्टर से आप लॉन्च कर सकते हो, और हेलीना की जो रेंज होगी वो 7 से 8 किलोमीटर होगी। और इम्पोर्टेंट क्या है, इट इज़ गाइडेड बाई इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर। अब इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के मदद से, देखिए इस मिसाइल्स में इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए हैं, तो वो इंफ्रारेड इमेज को स्कैन करेगा और फिर उस इमेज के हिसाब से, उस इंफ्रारेड इमेज की एनर्जी के हिसाब से वो मिसाइल उस टारगेट को पीछे भागेगी। देखिए, जब भी कोई जेट उड़ता है आप ध्यान दोगे तो वो जेट पीछे की तरफ काफ़ी सारी गर्मी छोड़ता हो जाता है, उस गर्मी की वजह से वहाँ पे एक इंफ्रारेड रीजन बन जाता है, एक इंफ्रारेड इमेज से मिलती एरिया से बनता है। तो ये जो मिसाइल्स होती है ना उसी इंफ्रारेड एरिया को टारगेट करती हैं और उसी को पॉथ में फॉलो करती हैं, समझे आप बात को। तो वो लॉक कर लेती हैं उस इंफ्रारेड सीकर को, इमेज सीकर को, और उसके बेसिस पे वो उस पर अटैक मारती हैं, ये हेलीना मिसाइल और नाग मिसाइल। तो ये कहा जाता है कि हमारे देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होगा। अब हम लोग मैप में एक बार के लिए ये जो इंटीग्रेटेड चेस्ट रेंज है चंडीपुर बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इसको देख लेते हैं। तो ये आपको उड़ीसा का नक्शा दिख रहा है, ये लाल लाल रंग की इसकी बाउंड्री नज़र आ रही है, यहाँ देखिए ये बालासोर है, वेस्ट बंगाल ऊपर है, बालासोर यहीं पर, और यहीं पर आपका चंडीपुर है जहाँ से ये सारी टेस्टिंग होती है। ठीक है, बस हम लोग इतना पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे टेस्टिंग होती है इंडिया में। फिर हम बात करेंगे डिफेंस इनोवेशन हब्स की। देखिए, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन करके एक चीज़ है। अब ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर किया गया है, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर्स है, और इसको काम करने के लिए 2 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फंड करेंगे, पैसा देंगे, जिसमें एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी डिफेंस इनोवेशन हब क्या है कि इस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक फ्रेमवर्क है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क, इसके अंदर 2 डिफेंस इनोवेशन हब बनाने की बात की है। एक बनेगा तमिलनाडु में कोयम्बटूर नाम की जगह पे, एक बनेगा महाराष्ट्र में नासिक नाम की जगह पे। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद रखिएगा। इस न्यूज़ को मैंने स्पेशली इसीलिए शामिल किया फ्रेंड्स ताकि ये डिफेंस इनोवेशन हब जो नए बने हैं कहाँ बने हैं, ये बहुत हॉट शॉट क्वेश्चन है, पीसीएस और जो यूपीएससी की नीचे के लेवल के एग्जाम है उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये किस जगह पे बने हैं ये यूपीएससी शायद ही पूछे, वैसे पूछने को पूछ भी सकता है क्योंकि आजकल यूपीएससी अपने पेपर में कुछ भी पूछ रहा है। फिर ये जो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क है, इसका काम क्या है कि गवर्नमेंट
मैनेज करेगी और सेटअप करेगी डिफेंस इनोवेशन हब। और डिफेंस इनोवेशन हब का काम क्या होगा कि यहाँ पे जो इनोवेटर्स हैं, जो चीज़ों को ईजाद करने वाले हैं, डिस्कवर करने वाले हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सर्विसेज के बारे में और डिफेंस प्लेटफॉर्म के बारे में, जो उनमें जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स में कमियाँ हैं वहाँ पर जाके उनकी कमियों का सोल्यूशन देना। तो इस टाइप की चीज़ों को इन डिफेंस इनोवेशन हब्स के थ्रू साइन किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और देखिए, द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो गियर टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग मोर इनोवेटर्स टू द वर्क ऑफ डिफेंस सेक्टर इन इंडिया। यानी कि इस फ्रेमवर्क में ये भी बोला गया है कि भाई और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटर, R&D और अच्छे लोगों को डिफेंस सेक्टर की तरफ खींचा जा सके, ताकि वो भी अपना कह सकते हैं ना कि वो योगदान दे सकें इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। फिर कुछ वन लाइनर न्यूज़ है, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो स्पाइसेस बोर्ड ने अभी एक नेशनल कॉन्क्लेव ऑन फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइज कराया। कहाँ ऑर्गेनाइज कराया? नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया। कब ऑर्गेनाइज कराया? 11 फरवरी 2019 को ऑर्गेनाइज कराया। तो वन लाइनर है, बस रट लीजिए। फूड कॉन्क्लेव, आप समझ सकते हैं कि फूड सेफ्टी और कैपेसिटी बिल्डिंग में फूड प्रोसेसिंग आ जाएगा, बैकवर्ड चेन लिंकेजेज आ जाएंगी, फॉरवर्ड चेन लिंकेजेज आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। आगे चलते हैं। एक फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया यूनिट्स हुई है। कब हुई है? 13 फरवरी 2019 को हुई है, नई दिल्ली में। इसको किसने ऑर्गेनाइज कराया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने। इसका काम क्या है कि जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होंगे ना, वो मीडिया यूनिट्स के साथ बात करके एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कन्वर्ज करके, कोऑर्डिनेट करके अपना काम करेंगे। और कहा जा रहा है कि जो मीडिया यूनिट्स हैं उनके बीच में इंटर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाएगा, उनके बीच में सिनर्जी को बढ़ाया जाएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अच्छे से काम कर हो सके। इसीलिए ये फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया यूनिट्स ऑर्गेनाइज करी गई है, ताकि सब लोग, जितने भी मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आके चीज़ों को समझ सकें और एक स्ट्रैटेजी को चॉकआउट कर सकें। फिर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हुआ है नीति आयोग के बीच में एंड माइकल एंड सुजैन डेल फाउंडेशन के बीच में, जिसका काम क्या है कि पब्लिक स्कूल एजुकेशन, यानी सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन होती है ना, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाया जा सके, ठीक है। और इसको लाने के लिए जो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ काम करने की भी ज़रूरत है। देखिए, सरकारी स्कूल चलाने वाली केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट्स भी सरकारी स्कूल चलाती हैं और नीति आयोग थिंक टैंक है। तो नीति आयोग माइकल एंड सुजैन डेल फाउंडेशन के साथ मिलकर हमारी गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन को कैसे सुधारे, इस पर बहुत सारे स्टेप्स लेगा आगे। अब एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेगा ये नहीं पता है, बट इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है। फिर सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में शुरू हो गई है। कौन सा एडिशन है ये? 83rd एडिशन है। फिर एक जेमी चैडविक है इंग्लैंड की, जो कि पहली फीमेल ड्राइवर बनी है जिन्होंने MRF चैलेंज टाइटल जीता है। केवल 20 साल की हैं ये फ्रेंड्स, और इन्होंने ये चेन्नई में जीता है। तो MRF चैलेंजर टाइटल को जीता है जेमी चैडविक ने, इंग्लैंड की हैं, चेन्नई में हुआ था, वहाँ पे जीता है। और इससे पहले अगस्त 2018 में ये पहली वुमेन थी जिन्होंने एक ब्रिटिश F3 रेस को जीता था। फिर हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 फरवरी को। बस एक इन्फॉर्मेशन है, समझ लीजिए। फिर इंडिया के एक हिस्टोरियन है संजय सुब्रमण्यम, इनको डैन डेविड प्राइस 2019 का मिला है। ये डैन डेविड प्राइस इसराइल का है और ये किस लिए मिलता है? क्योंकि इन्होंने इंटरकल्चरल इनकाउंटर्स बिटवीन एशियन यूरोपियन एंड पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका पे काफ़ी सारा काम किया है। इसमें प्राइस बनी दी जाएगी $1 मिलियन की, और साथ साथ ये जो अवार्ड दिया गया है मिस्टर संजय सुब्रमण्यम को, ये पास्ट टाइम डायमेंशन की कैटेगरी में दिया गया। तो अब पास्ट टाइम डायमेंशन एक मैक्रो हिस्ट्री का टॉपिक है, और ऑब्वियसली बात है ये इन्होंने इस किताब में डैन डेविड प्राइस 2019 में ये जो अवार्ड मिला है डैन डेविड प्राइस, वो इसलिए मिला है क्योंकि संजय सुब्रमण्यम ने जो काम किया है वो काम इंटरकल्चरल इनकाउंटर्स पे किया है एशियन अमेरिकन और साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के लोगों के बीच में, और उस काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है। अब मेघालय गवर्नमेंट का एक डिसीजन आ रहा है कि जो दिकीबंदी स्टेडियम है ना तुरा टाउन में, उसका नाम बदल कर रख दिया जाएगा प्यूमो ए संगमा। फिर आगे चलते हैं। अबू धाबी ने हिंदी को अपनी तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया है। नंबर वन की उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी अरेबिक, ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्री है, दूसरे नंबर पे इंग्लिश और तीसरे नंबर पे हिंदी। हिंदी क्यों रखी गई? देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडियंस रहते हैं 26 लाख,
जो कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 30% है। यानी इंडियंस वहाँ की सबसे बड़ी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है। एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी मतलब वो लोग जो किसी दूसरी कंट्री से आके उस कंट्री में सेटल हुए हैं। अब हिंदी को जब ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है तो उससे होगा क्या कि वहाँ के लोग जब पढ़ेंगे ना तो वो हिंदी को भी सीखेंगे, और जब वो हिंदी को सीखेंगे तो जो लिटिगेशन प्रोसीजर्स होते हैं जो कोर्ट में, फिर कोर्ट में जब भी कोई सुनवाई चल रही होती है उसमें लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो लोग अपनी राइट्स ड्यूटीज़ को समझ नहीं पाते हैं, चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से इंटरप्रेट चल रहा है, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन चल रहा है, किस तरीके से वहाँ की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो इसीलिए हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है, क्योंकि जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन 30% इंडिया से हर वो हिंदी बोलती है तो हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि ये 30% लोग जब जुडिशियल कोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पर ठीक से बाकी लोगों के साथ अपनी कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज अलग है। तो इसलिए यहाँ पे हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इससे फ्रेंड्स ये वीडियो करंट अफेयर्स 13 फरवरी की ख़त्म होती है। देखिए बहुत ज़्यादा एनालिटिकल करंट अफेयर्स थे नहीं इसलिए मैंने इंक्लूड किया नहीं है। मैं कोई भी न्यूज़ को रिपीट करता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आज की डेट में मुझे कोई करंट अफेयर्स करना चाहिए था मैंने नहीं किया, तो आप पहले की वीडियोज़ जाके देखिए, कल के 12 फरवरी की या उससे पहले के, आपको ज़्यादातर केसेज में टॉपिक वहाँ मिल जाएगा। और साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने पहले कंप्लीट नहीं किए, जब वो मुझे बाद में मेरे दिमाग में आते हैं तो मैं उनको आगे की वीडियोज़ में कंप्लीट कर देता हूँ। तो अगर आप होलिस्टिकली इन वीडियोज़ को देखेंगे आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये वीडियो पसंद आ गई हो फ्रेंड्स, पसंद आ गई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स के थ्रू बताइए वीडियो कैसी लगी, जितना हो सके अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गुड बाय।